हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछले दो क्लास बैक्टीरिया के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मैं करवा चुका हूं। फ्रेंड, मैं प्रीवियस ईयर 10 से 15 साल के क्वेश्चन करवाता हूं। जो भी फ्रेंड बायोलॉजी से फॉर्म भरे हैं, टीजीटी का, पीजीटी का, मैं फोकस करके अभी प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा रहा हूँ। साथ में जो आने वाले फॉर्म है यूपी में, जैसे जीआईसी का, एलटी ग्रेड का, और जो भी फ्रेंड तैयारी कर रहे हो बायोलॉजी से, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपी यूपीएससी हो, चाहे जीआईसी का हो, केंद्रीय विद्यालय केवीएस हो, या एनवीएस नवोदय के लिए बायोलॉजी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए रामबाण का काम करेगा फ्रेंड। क्योंकि सारे 15 से 20 साल के इन सारे एग्जामों में अलग अलग स्टेट से भी टीजीटी पीजीटी की पूछे गए क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने 62 क्वेश्चन चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। वायरस का करा चुका हूँ, उसके बाद बैक्टीरिया का दो क्लास करा चुका हूँ, आज तीसरा क्लास है। ठीक है, ये बैक्टीरिया का लास्ट प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड प्रीवियस ईयर। जो भी फ्रेंड तैयारी कर रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके, DRJK। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्या कहता है? फ्री लिविंग बैक्टीरिया केपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बैक्टीरिया जो फ्री लिविंग है और नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। फ्री लिविंग मतलब सिम्बियोटिक, किसी पौधे से लगे हुए नहीं है। जैसे सिम्बियोटिक एसोसिएशन में अभी हम बताएंगे राइजोबियम होता है लेग्युमिनस प्लांट के द्वारा, लेकिन ये फ्री लिविंग है। तो इसमें मैं चार एग्जांपल बताता हूँ, एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है। एजोबैक्टर आपका है, क्लोस्ट्रिडियम है, नॉस्टॉक है, एनाबीना है, ये सब फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब फ्री नाइट्रोजन N2 है, जो 78% हमारे एटमोसफियर में उसको अमोनिया में, नाइट्रेट में या नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन, तो इसमें जो ऑप्शन दिया था उसमें दिया था आपका आपका क्लोस्ट्रिडियम दिया था, एजोबैक्टर दिया था, नन ऑफ दीज दिया था, और बोथ दिया था। तो बोथ ऑप्शन आएगी। ठीक है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक है एजोबैक्टर, ठीक है फ्रेंड, और दूसरा है आपका क्लोस्ट्रिडियम। ये सब फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन इसी को लैंग्वेज चेंज कर देता है फ्रेंड, और कुछ जादू नहीं होता है, सारे एग्जामों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, रोज रोज डिस्कवरी नहीं हो रही कि नए नए क्वेश्चन बनेंगे, बस उसके लैंग्वेज चेंज होते हैं, कभी कभी ऑप्शन डिफर हो जाते हैं, बस पूछने का तरीका बदल जाता है। तो इसी को चेंज करना हो तो फ्री लिविंग एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कर दे। तो एनएरोबिक में क्या आएगा? क्लोस्ट्रिडियम आएगा। एरोबिक अगर पूछ लिया, फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो एरोबिक होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया मतलब जो ऑक्सीजन का यूज करते हैं अपने रेस्पायरेशन में, एनएरोबिक में उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वहाँ एनएरोबिक पूछेगा तो क्लोस्ट्रिडियम आएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 64 फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 64 है सेल डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है फ्रेंड, जो ऐसे सेल जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो, तो वो मोनेरा ग्रुप आती हैं। जैसे हमारे फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए हैं टीएच विटेकर साहब ने, तो मोनेरा ग्रुप को इसीलिए अलग ग्रुप में रखा गया, उसमें बैक्टीरिया आते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होती है, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, और प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और जो यूकैरियोट में, जो लार्जर ऑर्गेनिज्म में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितने सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, वो प्रोकैरियोट सेल में एब्सेंट होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और भी सेंट्रोसोम, क्लोरोप्लास्ट, बहुत से जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट में। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? या तो ऑप्शन में अगर मोनेरा दिया है, मोनेरा प्रोटिस्टा, तो पूछेगा तो मोनेरा आ जाएगी। अगर ऑप्शन में यूकैरियोट, प्रोकैरियोट ये सब दिया है, तो आपका प्रोकैरियोट आएगी। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया था वो बैक्टीरिया दिया था, वायरस दिया था, फंजाई, एल्गी, तो आएगा क्या? बैक्टीरिया। आप ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पे बैक्टीरिया होगी। बैक्टीरिया मोनेरा ग्रुप में है, मोनेरा ग्रुप में है मतलब प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, माइटोकॉन्ड्रिया, सारे सेल ऑर्गेनल्स, केवल राइबोसोम प्रेजेंट होती है। और राइबोसोम कौन टाइप की प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में? 70S। ठीक है, फिर आप जाइए क्वेश्चन नंबर 65, एट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के एक एंड पे एक फ्लैजिला के गुच्छा होते हैं। फ्लैजिला क्या होता है फ्रेंड? फ्लैजिला होती है एक लोकोमेटरी ऑर्गन।
ठीक है, एक फिंगर लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो बैक्टीरिया के जीवाणु को चलने में मूवमेंट और लोकोमोशन में मदद करती है। ये बैक्टीरिया के हिसाब से फ्लैजिला के हिसाब से बैक्टीरिया को 3-4 प्रकार में बांटा गया है फ्रेंड। इससे हमेशा किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो एक बार इसको समझ लीजिए ताकि कहीं भी पूछे आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, देखिए मान ली ये बैक्टीरिया है, अगर बैक्टीरिया में फ्लैजिला एब्सेंट है, फ्लैजिला है ही नहीं, तो उसको ए ट्राइकस कहेंगे। ठीक है, ए लगा देंगे, ए माने एब्सेंट, ट्राइकस माने फ्लैजिला। अगर एक फ्लैजिला है बैक्टीरिया के एक पोल पे, तो उसको मोनोट्राइकस कहेंगे। मोनो मतलब सिंगल, ट्राइकस मतलब फ्लैजिला। अब यही टफ ऑफ फ्लैजिला, मतलब एक से ज्यादा फ्लैजिला है एक ही पोल पे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा है, टफ ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड ऑफ बैक्टीरिया। तो टफ ऑफ फ्लैजिला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस, ठीक है फ्रेंड, लोफोट्राइकस मतलब एक ही पोल पे फ्लैजिला है, लेकिन एक से ज्यादा फ्लैजिला है, टफ ऑफ फ्लैजिला। अगर सिंगल फ्लैजिला एक ही पोल पे हो तो मोनोट्राइकस है, अगर ये टफ ऑफ फ्लैजिला दोनों पोल पे मान लिया हो, तो अगर नया क्वेश्चन बनाना हो तो उसको कहेंगे एम्फीट्राइकस। ठीक है, यहाँ पे तो लोफोट्राइकस है जो क्वेश्चन पूछा है, ये एम्फीट्राइकस होगी। अगर पूरे बॉडी में फ्लैजिला हो, मतलब पोल पे नहीं पूरे सराउंडिंग बॉडी पे बैक्टीरिया के फ्लैजिला हो, तो उसको पेरीट्राइकस कहते हैं। इतने प्रकार के के हिसाब से बैक्टीरिया को बांटा गया फ्रेंड, जिससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ठीक है, तब ये चार प्रकार के आप याद रखना, ए ट्राइकस, फ्लैजिला एब्सेंट, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पेरीट्राइकस। फिर अब बीच से सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, अभी मैंने बताया ना जो फ्री रह रहे हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, सिम्बियोटिक मतलब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो देखा गया है कि जो सिम्बियोटिक में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं राइजोबियम, राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हायर लेगुमिनस प्लांट, जो लेगुमिनस प्लांट होती हैं आपके, चाहे बरसीम हुई, काउपाई हुई, मस्टर्ड हुई, तो जो भी लेगुमिनस प्लांट हैं उनके जड़ों में रहती हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन के साथ। कौन सी बैक्टीरिया, राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम। फिर है स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन, स्ट्रेप्टोमाइसिन है क्या फ्रेंड, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, एंटीबायोटिक जो हम लोग खाते हैं, तो एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ये कहां से ऑब्टेन हुआ है पूछा है फ्रेंड, तो ये ऑब्टेन हुआ है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिटिस ग्रीसियस से, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड, ग्रीसियस से, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस से। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई थी, किसने डिस्कवर किया था फ्रेंड, वो साइंटिस्ट थे सेलमैन वॉक्समैन, ठीक है, सेलमैन वॉक्समैन ने पहली बार टर्म भी दिया था एंटीबायोटिक। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि पहली बार टर्म एंटीबायोटिक किसने दिया था, तो सेलमैन वॉक्समैन ने दिया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे निकाला गया था, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस से। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी, डिस्कवरी, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक खोज भी वॉक्समैन ने किया था, ठीक है, सेलमैन वॉक्समैन ने। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस निमोनिया डिस्कवर्ड बाय, ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या फ्रेंड, बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो चार प्रकार के बताए जाते हैं, ठीक है, पहला का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ऐसे ही जो है एक होता है कंजक्शन, ट्रांसडक्शन, लेडरबर्ग एंड जिंडर ने क्या खोज किया था, ट्रांसडक्शन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस, वायरस द्वारा, मतलब बैक्टीरियोफेज द्वारा अगर जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा है तो उसको ट्रांसडक्शन कहेंगे, ठीक है, उसको किसने खोजा था, लेडरबर्ग एंड जेंडर ने, ठीक है। एक था फिर कंजुगेशन में क्या था, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहे हैं दो बैक्टीरिया के मिलने से, वो लोग आपस में दो बैक्टीरिया पास पास आते हैं और सेक्स पिलाई द्वारा कंजुगेट होते हैं और जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, तो इसको दिए थे लेडरबर्ग एंड टॉटम ने, ठीक है, ट्रांसडक्शन दिए थे लेडरबर्ग एंड जेंडर ने और कंजुगेशन दिए थे लेडरबर्ग एंड टॉटम ने। फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि
आपके जो साइंटिस्ट थे फ्रेडरिच ग्रिफिथ एक ही साइंटिस्ट थे, इन्होंने काम किया था, एक बैक्टीरिया का नाम था डिप्लोकोकस निमोनी में इन्होंने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहे हैं थ्रू प्लाज्मिड द्वारा। ठीक है, तो किसने इसको जो क्वेश्चन पूछा है, ये तीन प्रकार की याद रखना, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन, और तीनों के साइंटिस्ट के नाम 100% है, एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है कहीं ना कहीं, कोई ना कोई एग्जाम आप बायोलॉजी का दोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन डिप्लोकोकस निमोनिया क्या यूज किया गया था कभी पूछ लेगा ट्रांसफॉर्मेशन में, तो डिप्लोकोकस निमोनिया नाम की बैक्टीरिया पे किसने डिस्कवर किया था, फ्रेडरिच स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड, ग्रिफिथ, ठीक है, फ्रेडरिच ग्रिफिथ ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 69 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आसान भी क्वेश्चन है फ्रेंड, रेस्पिरेटरी एंजाइम इन बैक्टीरिया लोकेटेड इन, तो बैक्टीरिया में जीवाणु में रेस्पिरेटरी एंजाइम किस में पाई जाती है, तो इससे कई क्वेश्चन बन जाते हैं फ्रेंड। कभी कभी सिर्फ सेल मेम्ब्रेन देता है तो सेल मेम्ब्रेन आप सामने लगाएंगे, लेकिन सेल मेम्ब्रेन नहीं दिया है मेसोसोम दिया है तो मेसोसोम लगाएंगे। होता क्या है कि मेसोसोम एक सेल मेम्ब्रेन जो बैक्टीरिया में सेल ऑर्गेनल सिर्फ राइबोसोम पाई जाती है बाकी कुछ नहीं पाया जाता है, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसी में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको मेसोसोम कहा जाता है। इस मेसोसोम में रेस्पिरेटरी एंजाइम पाई जाती है बैक्टीरिया की, और प्लस मेसोसोम का तीन काम होता है फ्रेंड, इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। मेसोसोम जो है डीएनए का रेप्लिकेशन मदद करता है बैक्टीरिया में, सेल वॉल की फॉर्मेशन में मदद करता है, और रेस्पिरेशन का भी पूछा है कि रेस्पिरेटरी एंजाइम कहां पाए जाते हैं, तो आपके मेसोसोम में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, मेसोसोम। उसके बाद है पेप्टाइडोग्लाइकॉन इज प्रेजेंट इन, तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन मैंने पिछले क्लास में बताया था जो ग्राम स्टेनिंग करते थे तो जो क्रिस्टल वायलेट स्टेन यूज करते हैं बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो चूंकि जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकॉन बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं फ्रेंड, 20-80% तक। ठीक है, इसलिए जो है क्रिस्टल वायलेट स्टेन वो जो है स्टेन ले लेता है, और माइक्रोस्कोप में वो बैक्टीरिया बैगनी कलर दिखती है इसलिए उसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और जो स्टेन नहीं लेता उसको ग्राम नेगेटिव कहते हैं। तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन किसके सेल वॉल में पाई जाती है, बैक्टीरिया के, इसमें जो ऑप्शन दिया था बैक्टीरिया वायरस अल्गी फंजाई तो बैक्टीरिया हो जाएगी, और डीप में जाना होगा तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकॉन ज्यादा पाई जाती है और ग्राम नेगेटिव में कम पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बैक्टीरिया। उसके बाद है विच डिसीज इज नॉट बैक्टीरियल, कई डिसीज दिए थे फ्रेंड। ठीक है, जैसे आपका टीवी दिया था तो टीवी एक बैक्टीरियल डिसीज है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। ठीक है, उसके बाद है ब्लैक क्वार्टर दिया था। ठीक है, ब्लैक क्वार्टर लंगड़ी बुखार जिसको भी कहते हैं वो ये होता है आपका क्लोस्ट्रीडियम से। ठीक है, ऐसे ही कई डिसीज दिए थे, लेकिन एक पोलियो दिया था, उसमें पोलियो वायरल डिसीज है न कि बैक्टीरियल डिसीज है। ठीक है, पोलियो कौन सी डिसीज है फ्रेंड, पोलियो एक वायरल डिसीज है। ठीक है फ्रेंड, पोलियो होता है पोलियो मेलाइटस से, कौन से वायरस से होता है, पोलियो मेलाइटस से, तो इसमें पोलियो जो आंसर आएगा वो सही आंसर आएगा, क्योंकि पोलियो एक वायरल डिसीज है न कि बैक्टीरियल डिसीज है। पोलियो में क्या, पोलियो होता कैसे है फ्रेंड, पोलियो जो है इन्फेक्टेड जो मेलाइटस है आपका वायरस पोलियो का, वो पानी के थ्रू इन्फेक्टेड वाटर या सॉइल या फूड के थ्रू हमारे पेट में जाता है और हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, जिससे हमारा लिम्स हाथ पैर कोई भी चीज़ का पैरालाइज हो जाती है, तो बहुत ही सीरियस डिसीज है फ्रेंड। ठीक है, ये काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए गवर्नमेंट जो है पोलियो का टीकाकरण कई सालों से करवा रही है क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं था। ठीक है फ्रेंड, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में, मेसलॉन एंड स्टा यूज ए आइसोटोप फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। मेसलॉन एंड स्टा ने डीएनए पे काम किया था फ्रेंड, जब जेनेटिक की क्लास पे आएंगे तो इसको हम डिटेल करेंगे, अभी ध्यान रखिए कि इन्होंने डीएनए पे काम किया था और एक टर्म दिया था सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव वाज डिस्कवर्ड बाय मेसले एंड स्टा। इन्होंने जो आइसोटोप यूज किया था वो था नाइट्रोजन का आइसोटोप N15। ठीक है, नाइट्रोजन का आइसोटोप था N15। नॉर्मली जो है नाइट्रोजन होती है ये जो नाइट्रोजन का मास होती है एटॉमिक मास वो 14 होती है, लेकिन इन्होंने N15 यूज किया था, ये याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 73, विच बैक्टीरिया इज ऑक्सीडाइज अमोनिया इनटू नाइट्रेट। ठीक है,
कौन सी बैक्टीरिया है जो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करती है। तो नाइट्राइट में कन्वर्ट करने वाले अमोनिया को नाइट्राइट में कौन से बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं फ्रेंड, वो होते हैं नाइट्रोमोनास और नाइट्रोकोकस। और जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगी, क्योंकि प्लांट जो यूज करते हैं नाइट्रोजन वो नाइट्राइट के फॉर्म में यूज नाइट्रेट के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये तीन बैक्टीरिया होते हैं जो अमोनिया को कन्वर्ट कर रहा है नाइट्राइट में, वो है आपका नाइट्रोमोनास और नाइट्रोकोकस। यहाँ जो ऑप्शन दिया था उसमें नाइट्रोकोकस ऑप्शन में था, तो नाइट्रोकोकस सही आंसर था। अगर बाद में आपको पूछे नाइट्राइट से नाइट्रेट में कौन सी बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं, तो वो नाइट्रोबैक्टर हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोमोनास, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा नाइट्रोमोनास। विच एंजाइम इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट इज नॉट अफेक्टेड, नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने अभी बताया डिप्लोकोकस निमोनिया पे ग्रिफिथ साहब ने काम किया था और ट्रांसफॉर्मेशन टर्म दिया था, जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहे हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, ठीक है। ये पूछा है कौन सी एंजाइम नहीं इफेक्ट करती है, तो इसका आंसर आएगा डीएनएज। कई ऑप्शन दिए थे, तो डीएनएज एंजाइम जो है नहीं इफेक्ट कर रही थी। इसके बाद रॉट से बैक्टीरिया, इस पर भी कई क्वेश्चन पूछता है, बहुत आसान क्वेश्चन है फ्रेंड। ये क्या है कि सेब बैक्टीरिया की सेब के हिसाब से चार पांच टाइप के बैक्टीरिया को बांटा गया है। पहला है कि बैक्टीरिया का रॉड सेब हो, डंडा की तरह हो, ठीक है, स्टिक की तरह, रॉड की तरह, तो वो होगा बैसिलस बैक्टीरिया, जो क्वेश्चन पूछा है रॉड सेब बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया जो है सर्कुलर हो, गोलाकार हो, तो उसको कोकस बैक्टीरिया कहते हैं, COCCOUS कोकस बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया जो है कॉमा सेप हो, जैसे कॉमा लगाते हैं ना, कॉमा सेप हो, तो उसको विब्रियो बैक्टीरिया कहते हैं। स्पाइरिला एक बैक्टीरिया होती है। अगर बैक्टीरिया कॉर्क स्क्रू सेप हो, नट बोल्ट की तरह, कॉर्क स्क्रू सेप भी टीजीटी में पूछ चुका है, कॉर्क स्क्रू सेप बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज स्पाइरिला बैक्टीरिया, स्पाइरिला, ठीक है। तो यहाँ पे रॉड सेप पूछा है, तो हो गया स्प्रिंग में स्प्रिंग की तरह रहेगा तो स्पाइरिला, कॉर्कस्क्रू शेप होगा तो स्पाइरिला, रॉड शेप होगा तो बैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है फ्रेंड, बैसिलस बैक्टीरिया। अब आ जाइए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, तो ये पूछा है। तो इसमें से कोई ऑप्शन मिल जाए आपको, क्लोस्ट्रिडियम मिल जाएगा तो क्लोस्ट्रिडियम लगा दीजिएगा, नॉस्टॉक मिल जाए, एनाबिना मिल जाए, आपका एजोबैक्टर मिल जाए, क्योंकि यहाँ स्पेसिफाइड नहीं किया है, एरोबिक पूछा है कि एनारोबिक पूछा है, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन पे ऑप्शन आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 76 में, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो ऑप्शन हो, अगर सिंबायोटिक एसोसिएशन पूछ रहा है तो राइजोबियम हो जाएगी, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में राइजोबियम जो ऑप्शन दिया है। अगर फ्री लिविंग पूछेगा तो क्लोस्ट्रिडियम एजोबैक्टर आपका नॉस्टॉक एनाबिना होगी। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिम्बियोटिक एसोसिएशन के साथ, मतलब एक जड़ में किसी प्लांट के सिम्बियोटिक एसोसिएट करके नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है तो राइजोबियम हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे राइजोबियम आ जाएगा। प्लाज्मिड क्या है, तो प्लाज्मिड मैंने बताया फ्रेंड, प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया में, जीवाणु में एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल पाई जाती है, वेक्टर का काम करती है, किसी बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर कराना हो जेनेटिक मटेरियल का तो प्लाज्मिड द्वारा ही कराते हैं। तो क्या है फ्रेंड, इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ फ्रेंड, स्पेलिंग देख लेना आप। वाक्समैन डिस्कवर्ड, वाक्समैन अभी आ गया ना, सेलमैन, देखिए क्वेश्चन वही है, बस रिपीट कर दिया, हमें नया लगने लगता है। वाक्समैन सेलमैन और वाक्समैन, सेलमैन वाक्समैन क्या डिस्कवर किए थे, एंटीबायोटिक, कौन सी एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन कहाँ से ऑब्टेन किए थे, जो बैक्टीरिया का नाम किया था स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से, ठीक है। और टर्म एंटीबायोटिक पहली बार किसने यूज किया था, वो भी सेलमैन वाक्समैन ने यूज किया था। अगली बार पूछ लिया टर्म एंटीबायोटिक, तो हम कहेंगे वाक्समैन तो एंटीबायोटिक खोज किए थे, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन को पूछिए तो उसके आगे पीछे का भी चीजें याद रखिए, क्योंकि अगली बार जब भी नया क्वेश्चन बनेगा तो यही क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसी में कुछ नया डाल दिया जाता है, बस और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो वाक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक खोज किया था, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है फ्रेंड।
अब आइए सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद रूट ऑफ प्रोजेना। जैसे रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट पे कौन सी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया थी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो था राइजोबियम। ऐसे क्रेसुना जो ट्री है उसके रूट पे कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है, तो वो बैक्टीरिया आपकी साइनोबैक्टीरिया होती हैं, ठीक है, जो फिलामेंटस बैक्टीरिया भी बोला जाता है इनको। तो केजुरीना में याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेंकिया नाम होता है बैक्टीरिया का, फ्रेंकिया जो है पाई जाती है रूट ऑफ केजुना। और एक और प्लांट के पाई जाती है रूट में, उसका नाम होता है एलनस रूट पे, ठीक है, एलनस रूट पे। एलनस रूट और केजुरीना में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है, ये एक एक्टिनो बैक्टीरिया है फ्रेंड, साइनो बैक्टीरिया है, फिलामेंटस बैक्टीरिया है, उसका नाम है फ्रेंकिया, याद रखिएगा। स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आयोग ने क्वेश्चन आंसर ऐसा दिया था, सब कंफ्यूज हो गए क्योंकि सब लोगों ने माइकोप्लाज्मा ऑप्शन मारा था, लेकिन माइकोप्लाज्मा रियल में स्मॉलेस्ट है, कि बैक्टीरिया से स्मॉलेस्ट है, 0.12 mm इसकी साइज होती है। और इसको जोकड़ प्लांट किंगडम कहा गया है, या तो बायोलॉजिकल जोकड़ कहा गया है, क्योंकि इनके सेलवाल ऑब्सेंट होती है, इनके शेप चेंज होते हैं, इनको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है, PPLO। लेकिन यहाँ पे आंसर बैक्टीरिया था, ऐसा क्यों था फ्रेंड, क्योंकि माइकोप्लाज्मा डिसीज कास करते हैं, माइकोप्लाज्मा हमेशा जो है पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो यहाँ फ्री लिविंग पूछा है, बैक्टीरिया भी पैरासाइटिक और सेप्रोफिटिक होते हैं, मैंने परजीवी और सड़े गले चीज खाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो है ऑटोट्रॉफ होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया जो आते हैं, इसलिए इनको फ्री लिविंग स्मॉलेस्ट में बैक्टीरिया आयोग ने माना था, ठीक है। तो ये आंसर आप देख लीजिएगा, इसमें बैक्टीरिया माना था। फिर बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद डीनाइट्रिफिकेशन, ऐसे बैक्टीरिया जो डीनाइट्रिफिकेशन करे, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, फ्री नाइट्रोजन को अमोनिया में, नाइट्राइट में, नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, वैसे डीनाइट्रिफिकेशन में फ्रेंड अमोनिया को अब फिर से एटमॉस्फेयर N2 में कन्वर्ट किया जाता है, जो फ्री नाइट्रोजन में, ठीक है। तो ये उल्टा करते हैं, जो सड़ाले गलाते हैं, तो इसमें दो बैक्टीरिया के पॉपुलर एग्जांपल हैं, एक थायोबैसिलस होती है और एक होता है आपका स्यूडोमोनास। यहां जो ऑप्शन दिया था फ्रेंड वो स्यूडोमोनास था, स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास। उसके बाद सिट्रस कैंकर डिसीज कई बार पूछ चुका है, सिट्रस कैंकर डिसीज एक बैक्टीरियल डिसीज है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अब हम फंगल डिसीज में लगा देते हैं, ये एक बैक्टीरियल डिसीज है। अगर बैक्टीरिया का नाम पूछे तो आप लिखना जेंथोमोनास सिट्रस, ठीक है, सिट्री, जेंथोमोनास सिट्री से होता है, एक बैक्टीरियल डिसीज है। इसमें जो ऑप्शन दिया था बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, तो बहुत लोग फंगस लगा देते हैं क्योंकि बहुत सारे डिसीज फंगस से होते हैं, लेकिन सिट्रस कैंसर एक बैक्टीरियल डिसीज है। उसके बाद आ जाइए फ्री लिविंग एनएरोबिक, देखिए अब क्वेश्चन बता दिया ना, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन में एजोबैक्टर भी आ जाएगा, क्लोस्ट्रिडियम आ जाएगा, नॉस्टॉक आ जाएगा, एना बिना आ जाएगा, लेकिन फ्री लिविंग यही एनएरोबिक लगा दिया, तो एजोबैक्टर नहीं, एजोबैक्टर एक एरोबिक बैक्टीरिया है, तो यहां एनएरोबिक पूछ लिया है, तो यहां पे आंसर आएगा आपका क्लोस्ट्रिडियम, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन चेंज होते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फ्रेंड, क्योंकि पहला ऑप्शन में एजोबैक्टर दिया रहेगा, आप एजोबैक्टर मार दोगे, नहीं, एनएरोबिक पूछा है फ्री लिविंग जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो आपका क्या आएगा, क्लोस्ट्रिडियम आएगा। फिर है सिफिली, सिफिलीस एक डिसीज है फ्रेंड, जो बैक्टीरिया द्वारा होती है, बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपनोनीमा पैलेडियम, ठीक है, ट्रिपनोनीमा पैलेडियम से सिफिलिस डिसीज होती है, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ चुका है TGT में, 2000 ध्यान नहीं आ रहा लेकिन पूछ चुका है, ठीक है। फिर है फाइटोप्लाज्मा क्लोजली रिलेटेड टू, फाइटोप्लाज्मा को साइंटिस्ट जो है बैक्टीरिया को क्लासिफाइड किए थे, फाइटोप्लाज्मा टर्म दिए थे, ऐसे बैक्टीरिया जो प्लांट पे डिसीज करें, मतलब प्लांट को इन्फेक्ट करें, तो ये बैक्टीरिया के लिए यूज किया गया था टर्म फाइटोप्लाज्मा, ठीक है, बैक्टीरिया के लिए, तो याद रखिएगा। बैक्टीरिया क्लासिफाइड इनटू किंगडम, कभी कभी आसान क्वेश्चन गलत हो जाते हैं फ्रेंड, बैक्टीरिया को किस किंगडम में रखा गया है, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन TH विटाकर ने दिया था, जिसमें पहला था मोनेरा, मोनेरा में बैक्टीरिया को रखा गया था, तो वही पूछा है। दूसरा था प्रोटिस्टा था, जो यूकेरियोट स्टार्ट हो जाते हैं, फिर फंजाई थी, उसके बाद एनिमिलिया था और प्लांटी थी, तो पूछा है कि बैक्टीरिया को किस में रखा गया था, TH विटाकर ने मोनेरा में रखा था,
मोनेरा ग्रुप में। फिर साइनोबैक्टीरिया फाउंड इन, देखिए पूछ लिया ना, साइनोबैक्टीरिया एनलस रूट में, जैसे क्रेजुलेना रूट में जो साइनोबैक्टीरिया पाई जाती थी, फ्रेंकिया थी, एक साइनोबैक्टीरिया है फिलामेंटस बैक्टीरिया, तो एनलस रूट में भी पाई जाती है फ्रेंकिया, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद है माइकोप्लाज्मा इज अ कॉजल ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा कई डिसीज दिया था, तो माइकोप्लाज्मा में जो एक डिसीज इसने दिया था वो था लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये किससे होता है, पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा से होती है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल मतलब बैगन में ये रोग होती है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड, ब्रिंजल जो है बैगन में क्या होती है, उसके पौधे जो है छोटे हो जाते हैं साइज में, बौने हो जाते हैं, ड्वार्फ हो जाती हैं, और प्लस पत्तियां छोटी हो जाती हैं, उसमें फल कम लगता है, जो भी फल लगता है एकदम टाइट कठोर लगता है, जो खाने योग्य नहीं होता है, और ये डिसीज दूसरे प्लांट में भी फैलती है। तो इसलिए कहा गया है कि जब ऐसे रोग हो तो आप उस प्लांट को उखाड़ के जला दो ताकि अदर प्लांट सेफ रहे, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा जो ऑप्शन दिया था उसमें लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल ये प्लाज्मा द्वारा होती है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, मैंने बताया ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में, मोनेरा ग्रुप में, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, साले सेल ऑर्गेनल्स राइजोम को छोड़ के सब एब्सेंट होते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहां पे आंसर आ जाएगा बैक्टीरिया में एब्सेंट होती है न्यूक्लियस। उसके बाद है इन बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन, अब कॉन्जुगेशन मैंने बताया ना ट्रांसफॉर्मेशन रिच फ्रेडरिच ग्रिफिथ ने दिया था, ठीक है। ऐसे ही ट्रांसडक्शन किसने दिया था, लेडरबर्ग एंड जेंडर ने। और कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन एक टाइप का ऑफ रिप्रोडक्शन है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होते हैं थ्रू सेक्स पिलाई द्वारा, तो ये कॉन्जुगेशन दिया किसने था, तो लेडरबर्ग एंड टॉटम ने, ठीक है फ्रेंड, लेडरबर्ग एंड टॉटम। तो ये देखिए क्वेश्चन सिर्फ वही है, कोई एग्जामिनर यहां से पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मेशन का, साइंटिस्ट पूछा था ना फ्रेडरिच एंड ग्रिफिथ ने, तो उसने पूछा ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है तो मैं कॉन्जुगेशन पूछ लेता हूं। तो क्वेश्चन जब भी पढ़ो अगर उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है तो उसको रिवाइज जरूर कर लो। आप ट्रांसफॉर्मेशन के साइंटिस्ट पढ़े ग्रिफिथ साहब, तो आप ट्रांसडक्शन की भी रिवाइज कर लो और कॉन्जुगेशन की रिवाइज कर लो, तो 100% है उसमें क्वेश्चन बनेगा, तो वो सेम नहीं उठाएगा जो पिछले साल पूछा गया है, वो ट्रांसफॉर्मेशन देखा है क्वेश्चन पूछा गया है तो ट्रांसडक्शन पूछ लेगा, ट्रांसडक्शन अगर क्वेश्चन देख रहा है वो तो कॉन्जुगेशन पूछ लेगा साइंटिस्ट का नाम, चेंज करते रहते हैं। सिट्रस कैंसर इस एग्जांपल आप मैंने बताया बैक्टीरिया से होती है, कौन सी बैक्टीरिया, जेंथोमोनास सिट्रिस से, ठीक है, जेंथोमोनास सिट्रिस से, ओके फ्रेंड। और लास्ट क्वेश्चन है आज का फ्रेंड, एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन सोप्टेन, देखिए तीन यही 30 क्वेश्चन में तीन बार एंटीबायोटिक से स्ट्रेप्टोमाइसिन से रिलेटेड क्वेश्चन, बस लैंग्वेज चेंज करके, एक बार डिस्कवरी पूछ दिया वॉक्समैन ने क्या डिस्कवर किया था, स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो एक बार पूछा था कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक होती है वो किस बैक्टीरिया से ली गई है, और वही चीज फिर पूछ लिया एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन obtained from, तो bacteria से obtain होती है, इसमें तो बहुत आसान question पूछा था, जो option दिया था algae, bacteria, virus, तो bacteria होगी, लेकिन bacteria का नाम पूछ लेता तो कौन सी bacteria थी, streptomycetes griseus से, ठीक है griseus से, ओके फ्रेंड। तो इस तरह फ्रेंड हम चैप्टर वाइज बायोलॉजी ले रहे हैं, टीजीटी पीजीटी को फोकस करते हुए, वायरस के मैंने दो क्लास लिए थे, दोनों में मैंने प्रीवियस ईयर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब सॉल्व करा दिए थे, वो ऐसे ही बैक्टीरिया के दो क्लास पहले ले चुका हूँ, आज तीसरा लास्ट क्लास था, इसके बाद फंजाई और भी चीज़ें पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज, तो आप थ्योरी पढ़ते रहिए फ्रेंड, साथ में ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके फंसेंगे फ्रेंड, बस विश्वास करिए और कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके, ठीक है फ्रेंड, डीआर जेके।